जय हिंद मेरे प्यारे साथियों कैसे हो आप सब आई होप सब बच्चों होंगे उम्मीद करता हूं कि आप सबों की तैयारी अच्छे से चल रहा होगा साथ ही जिन भी बच्चों का काफ़ी क्योंकि अभी करीबन चार या पाँच दिन लगातार एक सप्ते लगातार मेरे वो अप्रोक्सीमेट एग्जाम हमारा एस एस का नहीं हुआ बहुत सारे बच्चों का कॉल्स मैसेज आने लगा कि सर क्या कल का एग्जाम का कल का शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन चेंज होगा तो मेरे बच्चों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगा कि इन चीज़ों को ढूंढना बंद करें और सर एग्जाम कल जो होगा ना मैं आपको एक वीडियो को अंत तक देख लेना सर कुछ भी होगा अपने एस कभी लेवल को बदलता नहीं है साथी। एक दो प्रश्न की संख्याएं बदल सकती है कुछ कुछ ऐसे डाटा आ सकती है लेकिन पूरे अगर मैं बात करूं पैटर्न को चेंज नहीं करता है एस एस कभी भी आप किसी भी एग्जाम्स के उठाकर देख लीजिए सी जी एल हो या सी एच एस एल हो या एम टी एस हो या जी डी जैसे एग्जाम है जो काफी मल्टीपल शिफ्टों में होती है तो सर कभी भी कुछ क्वेश्चन की संख्या एक दो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती है घटती है आसान आता है या टफ आता है तो इस अनुसार से आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी दी जाती है है ना याद रख लेना या इसी को कहते हैं ना सर कि नॉर्मायस में बच्चों को कितना नंबर बढ़ा तो इन्हीं कारणों से जब आपके शिफ्ट में क्वेश्चन कुछ हार्ड आएंगे तो इनकी वजह से आपको नंबर का मिलने वाला है एक या दो नंबर का तो घबराए नहीं और जिन भी बच्चों का एग्जाम कल शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में उनके लिए बेस्ट ऑफ लग डी सारी चुप का बनाए कि आप अच्छे एग्जाम से आए सर अभी कुछ नहीं करो रेस्ट ले लो आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो कोई दिक्कत नहीं आप ज्यादा क्योंकि जो आपने पढ़ लिया पढ़ लिया अभी आप डिप्रेशन ना लें आप आराम से कूल माइंड जाए आपका एग्जाम अच्छा जाएगा मैं होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है घबराए नहीं साथी एकदम जरा सा भी नहीं घबराएं एकदम इन्फॉर्मेशन में देना इसलिए चाहता हूँ कि मेरे दोस्त कोई भी बच्चा घबरा कर ना जाए क्योंकि आप गड़बड़ा कर जाते हैं घबरा कर जाते हैं तो इस गड़बड़ाहट में ना जल्दबाजी में ना आप गलतियां कराएंगे आप भाई फिर बोलोगे भैया हमने पचहत्तर क्वेश्चन को टच कर दिया पचहत्तर क्वेश्चन टच करने से बहादुरी नहीं है आप पचहत्तर क्वेश्चन टच कर लेते हो इसके लिए बहादुरी नहीं है आपने अगर 60 क्वेश्चन को टच किया ना मेरे साथियों और ये 60 क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी और एक्यूसिया अगर 100 परसेंट है ना तो आपका रिजल्ट ये होगा यहाँ वाले बच्चे का नहीं होगा यहाँ वाले बच्चे जल्दी में पंद्रह क्वेश्चन गलती कर बैठेंगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगा इन चीज़ों पे ध्यान ना दें आप अपने जो कहते हैं ना कि जो आपने कर लिया ना मेरे बच्चों जो आपने कर लिया कर लिया आप अपने एग्जाम में एकदम आराम से सर कोई जल्दबाजी या कोई फोकस मत करना कि हमें सत्तर क्वेश्चन करने हैं या चालीस क्वेश्चन करने हैं आपको कुछ नहीं बस एक अपने कहते हैं ना कि लेवल को बनाए रखें ना कि भैया ठीक है हमसे जो हो रहा है हो रहा है बस कोई क्वेश्चन में फंसना नहीं जो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं होगा मुझे फंस जाएंगे वो छोड़ दो हटा के निकलो आगे ठीक है तो रिक्वेस्ट होगा इन चीजों पे ध्यान और घबराए नहीं कल आपका शिफ्ट में बदलेगा नहीं देखिएगा कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर तो हो सकता है इजी आ आ आ जाए 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 या थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ज्यादा टफ इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यार नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स मर मिलेंगे तो डरना दर, दर, किस बात का यार तैयारी आपने किया है ना आप लोग शेर हो शेर कभी डरते हैं क्या कोई चीजों के लेकर नहीं ना तो घबराए नहीं बस अपना एग्जाम जाके तोड़ के आए बस ढेरों सारी शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद है पापा का आशीर्वाद लेके जाओ आराम से मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो अभी कोई क्लास मत देखो आराम से मोबाइल दे दो क्योंकि आप जितना दिमाग क्लासेस देखोगे दिमाग में आपके टेंशन अभी टेंसन मेरा ये टॉपिक छूट गया ये टॉपिक छूट गया अच्छे से नींद नींद भी लेना अच्छी बात है ना तब तो आप ज्यादा सोचोगे नींद अच्छे लोगे तभी तो कल सोच पाओगे आप तो अभी आराम से सो जाओ ठीक है होपली वीडियो चलेगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे साथियों बेस्ट ऑफ लक